दोस्तों, जानो और सीखो के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉप लॉस के सीक्रेट्स के बारे में कि आपको स्टॉप लॉस का अगर आपको पता करने की स्टॉप लॉस आपका क्यों हमेशा हिट होता है, स्टॉप लॉस आप जहां लगाते हैं उसको टच करके हमेशा मार्केट वहां से मुड़ क्यों जाता है, आप शॉर्ट करते हैं तो ऊपर कट के स्टॉप लॉस फिर अब नीचे क्यों चला जाता है। तो अगर आपको ये जानना है स्टॉप लॉस के बारे में कि कैसे स्टॉप लॉस काम करता है, स्टॉप लॉस पे कैसे क्यों ऐसा होता है कि आपका हिट होने के बाद ही आता है, तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, जानो और सीखो के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम स्टॉप लॉस से संबंधित सारी चीज़ों को जानेंगे। लेकिन इन सबको स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ चीज़ जानना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है मार्केट डेप्थ, कि मार्केट डेप्थ क्या होता है ये आपको समझना ज़रूरी है और तभी आप आइडिया लगा पाएंगे कि भाई आखिर स्टॉप लॉस मैनेज करना इतना डिफिकल्ट क्यों हो जाता है और क्यों आपका स्टॉप लॉस अक्सर हिट कर जाता है और क्या आप कर सकते हैं कि भाई ऐसा ना हो, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मार्केट डेप्थ होता है कि भाई ऑर्डर बुक कह लीजिए कि जितना बाई सेल ऑर्डर पेंडिंग है उसकी इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट होती है, ऑर्डर डेप्थ होता है। आपने अपने जो भी आपका ब्रोकर है आपने देखा होगा कि जब आप क्लिक करते हैं तो आपको दिखाता है कि भाई कितने कितने दाम पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 10-14 से लेकर 10-13.7, तो ये जो पूरा रेंज है 50 पैसे का, उसमें जितने ऑर्डर्स है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे हाई ऑर्डर पेंडिंग है, 800 का है लेकिन एक ही ऑर्डर है। आप देखोगे यहाँ पे कोई सेल करना चाहते हैं 10146 पे, यहाँ क्वांटिटी ज़्यादा है और यहाँ पे 3 ऑर्डर पेंडिंग है। तो ये दिखाता है कि कहाँ ज़्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं, किस लेवल पे, यानी 1014 पे एक रेजिस्टेंस है बेसिकली। आइडियली ये बता रहा है, अब ये 1117 ही नहीं हो सकता, यहाँ पे 4 ऑर्डर 614 का, ऐसे नहीं केवल 6114 है। हो सकता है किसी को 6000 क्वांटिटी सेल करना, उसने क्या लगाया होगा कि एक बार में डिस्क्लोज करो 600, तो ये 10 ऑर्डर लगाएगा 600 600 600 करते हुए जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा। तो ये बिल्कुल आपको देखो, पहली बात तो ये क्लियर आइडिया नहीं कि भाई इतना टोटल्स, हो सकता है कि इससे ज़्यादा बेच रहे हो, सकता है इससे ज़्यादा खरीदना हो लेकिन डिस्क्लोज ना किया हो। लेकिन मार्केट डेप्थ ओवरऑल करेंट जो स्टेटस है वो बताता है, ठीक है। तो ये जो मार्केट डेप्थ है ये आपको आपका जो भी ब्रोकर होता है यूजली 5 आपको लास्ट में दिखाता है। तो क्या आपको बस यही है? अगर आपको पता है कि यार यहाँ पे कोई बेचने को खड़ा है, यहाँ पे खरीदने को पड़ा है, तो इससे तो आपको थोड़ा आइडिया लग रहा है कि यहाँ बेचने को खड़ा है तो जब इसको क्रॉस करेंगे तभी हमें खरीदना चाहिए वरना नहीं खरीदना चाहिए। बात सही है ना? लेकिन केवल यही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है मार्केट में। इसका रीज़न है कि NSE का जो डेटा होता है, ये देखिए ब्रोकर को डेटा कौन दे रहा है, NSE दे रही है। NSE इज़ ऑफिशियली गिविंग डेटा टू वेंडर, ये ब्रोकर हमें डेटा दे रहा है। लेकिन ब्रोकर हमें जो डेटा है वही NSE डेटा नहीं अवेलेबल है। देखिए कई लेवल के डेटा अवेलेबल रहते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो जैसे अभी लेवल 2 का डेटा जो हम देखते हैं उसमें 5 ऑर्डर्स दिखाने हैं आपको, 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए यहाँ 50 पैसा कवर हो रहा है ऑलमोस्ट। अब ये लिक्विड स्टॉक थोड़ा कम रहता तो और ज़्यादा होता। ऐसे जो लेवल इसके बाद वाला जो लेवल है उसका जो मतलब कि आता है वो लेवल 3 में आता है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि लेवल 3 है कि लेवल 2 है। लेवल 3 में जो इसका नेक्स्ट वाला आता है वो 20 बिड स्प्लिट करता है। तो कह लीजिए कि ऐसे 20 और एंट्री रहेंगी जिसमें सब डिटेल बताया जाएगा। तो कह लीजिए कि आप यार 2 रुपये 3 रुपये ऊपर स्टॉप लॉस लगाते तो सारा विजिबल हो जाता है अगर आप 100% अपना क्वांटिटी 100% करके। और वो मैक्सिमम उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं लोग जिनको इस चीज़ का एक्सेस रहता है कि भाई ये पूरा जो ऑर्डर बुक है जिसमें पूरा 20-22 ऑर्डर है, क्योंकि ये देखिए 2 से 3 रुपये तो मिनिमम इंट्राडे में कवर कर लेगा। ये लिक्विड स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ये लिक्विड में तो ज़्यादा भी कर सकता है। और ये पूरा क्लैरिटी हो के अगर मान लीजिए आपने 3 रुपये ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया और ऑर्डर बुक में अवेलेबल है, अब ये किसके पास डेटा अवेलेबल है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये डेटा दो लोग के पास अवेलेबल होता है, पहला कि ब्रोकर के पास आपके अवेलेबल रहता है, क्योंकि देखिए एक ब्रोकर है वो उसके पास भी ये अवेलेबिलिटी है कि कितना बिड आस्क स्प्रेड है, ये क्या है, ये है, प्लस उसके जो क्लाइंट्स हैं वो ऑर्डर लगा रहे हैं तो उसके सिस्टम में भी वो डेटा है। तो बिड आस्क स्प्रेड में तो पूरा ग्लोबल डाटा है सारे मार्केट का मिला के, और उस ब्रोकर के सारे जो ऑर्डर हैं वो भी इसके पास है। तो यह ब्रोकर को तो पता है कि सबका स्टॉप लॉस कहाँ लगा है, तो आइडियली तो ब्रोकर भी कर सकता है, बट ये ब्रोकर यूजली नहीं करेंगे। इसका रीज़न क्या है? देखिए ब्रोकर का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर ये सब काम करेगा, उसका रेपुटेशन स्टेक पे होता है, तो यूजुअली वो ये प्रेफर नहीं करेंगे। अब हो सकता है कि यार ये जो छोटे छोटे स्मॉल ब्रोकर्स होते हैं जो ट्रेडिंग डेस्क ले लेते हैं, टर्मिनल ले लेते हैं, तो वो अपने पर्सनल गेन के लिए इन सब डेटा का मिसयूज़ कर सकते हैं कि, लेकिन अगेन स्मॉल ब्रोकर है तो उसके इतने ज़्यादा क्लाइंट्स भी नहीं रहेंगे कि उसका उस सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होगा। जो बड़े ब्रोकर हो जाते हैं जिनके ज़्यादा क्लाइंट होंगे और उनको ज़्यादा ऑर्डर्स के बारे में आइडिया होगा कि भाई सारे क्लाइंट्स कहाँ लगाए प्लस मार्केट डेप्थ कितनी है, तो वो ज़्यादा एक्चुअली मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं, बचते हैं FII DII। और यही लोग रियल प्लेयर्स होते हैं, मतलब यही मार्केट में पैसे बनाते हैं और गंवाते हैं। तो भाई जब ऐसे जा रहा है प्राइस, आपने देखा है कि पहले प्राइस यहाँ से मुड़ा है, एक ऑब्वियसली बात है, लॉजिकल बात है कि दो बार मुड़ चुका है, तीसरी बार जा रहा है, तो एक रेजिस्टेंस कहाँ पे?
तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस के अराउंड बनता है। तो यहाँ पे लगे क्या करेगा आदमी, नॉर्मल आदमी जो होगा, जैसा कि सबको बुक में बताया गया है कि भाई यहाँ पे आपको बेचना है, तो यहाँ पे आप सेल करेंगे, स्टॉप लॉस डालेंगे कुछ यहाँ पे और वेट करेंगे। अब होगा क्या, यहाँ से जब आप सेल किया, ऊपर गया ऊपर गया, यहाँ हिट हुआ आपका स्टॉप लॉस, अब गया फिर उसके बाद से गिर के यहाँ पे प्राइस आ गया, एंड में आपका ये स्टॉप लॉस चला गया। तो आप सोचोगे यार कि यार मैंने तो फॉलो किया, अब ये स्टॉप लॉस यहाँ क्यों गया। तो सिंपल सी बात है भाई, आप दुनिया को पता है कि यहाँ पे आप घुसने वाले हो ट्रेड लेने, यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो कोई भी जो दुनिया में सबको पढ़ाया जा रहा है बुक्स की भाई ये सपोर्ट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, इसके ऊपर गया तो ब्रेकआउट है, तो आप यहाँ पे रिवर्सल के चांस है, तो यहाँ पे आप करोगे यहाँ के जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ, जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो, तो ये तो उसको भी पता है भाई जिसको बेच रहा है, तो वो क्या करेगा भाई, वो थोड़ा पैसा और ऊपर डालेगा, अपना प्राइस ऊपर ले जाएगा, और जब यहाँ पे जब स्टॉप लॉस हिट होने लगेगा, जिन्होंने शॉर्ट किया वो कवर करने लगेंगे, तो फिर वो वहाँ आएगा। तो इन्होंने शॉर्ट किया उनको बाई करना, यहाँ पे असली माल जो यहाँ पे ख़रीदा है आदमी ने, जो स्मार्ट मनी है वो आपको यहाँ पे देता है। देखिए अगर यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है, मैं आपको फिर से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं, देखिए ये चार्ट है कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये नॉन रेजिस्टेंस पॉइंट है जहाँ से बार बार मुड़ रहा है, ये जो पूरा रीजन है ये एक नॉन रेजिस्टेंस पॉइंट है। यहाँ जब तीसरी बार आ रहा है तो अब इसको भी पता है यार, ये जो स्मार्ट बनता है जो यहाँ पे ख़रीदा है, इसको भी पता है कि अगर मैं यहाँ से बेचना स्टार्ट कर दूँ और इसके पास बड़ा वॉल्यूम है तो यार तो प्राइस वैसे ही नीचे चला जाएगा, तो फिर ये बेचेगा किसे, इतना जब प्राइस ही गिर जाएगा तो इसकी क्वांटिटी बिकेगी कैसे। लेकिन इसको पता है यार थोड़ा और दम लगा के अगर यहाँ पे पहुँचा दिया जाए, तो ये जो लोग यहाँ पे शॉर्ट किए हैं वो अपना स्टॉप लॉस उनका यहाँ रहता है, कहीं हिट होगा कवर करेंगे, बाई करेंगे तो भाई उनको वहाँ पे दे दो। यहाँ पे थोड़ा करके यहाँ पे लाया, ब्रेकआउट का फॉल्स इम्प्लीकेशन यहाँ पे दिया, सब लोग यहाँ पे आ गए, जम कर गए, यहाँ पे अपना माल बेचा, फिर यहाँ से नीचे, यही होता है। तो ये देखिए अब इसको ऑर्डर बुक भी पता है कि भाई कितनी ऑर्डर्स जा रही, कितना है, एक रेंज पता है, अच्छा खासा रेंज पता है, मतलब लिक्विड स्टॉक में तो 4 to 5 rupees का रेंज पता रहता है। प्लस ये फॉल्स ब्रेकआउट करा के आपके जिसको यहाँ पे जो इसको नुकसान होगा उसको यहाँ पे कवर कर लिया, ये आपको देखे। तो ये जो पूरा खेल चलता है, इसे कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग, कई बार इसको कहा जाता है कि इसको आपके स्टॉप लॉस को हंट किया जाता है, आपके स्टॉप लॉस तक जाया जाता है, फिर वहाँ से स्टॉप लॉस हिट करके ज़रूरी वहाँ से सेम डायरेक्शन है, लेकिन इम्प्लीकेशन आपके ऊपर होता है कि रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे स्टॉप आउट होते हैं। तो सारे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, देखिए एंड में FII DII कुछ नहीं गंवाते हैं, गंवाते तो हैं रिटेल और कमाते हैं FII, तो यहाँ पे इसको अवॉइड करना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यार ऐसे ट्रैप्स को कैसे अवॉइड किया जाए कि ये कहाँ से जा रहा है। तो रिटेल ट्रेडर्स के पास देखिए डेटा होता नहीं है, हायर लेवल्स डेटा के क्योंकि कॉस्टली रहते हैं, तो भाई इनके पास तो अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये अगर आपके पास डेटा है तो आपके पास इन्फो है कि सबका स्टॉप लॉस, मेजॉरिटी का स्टॉप लॉस 3 to 4 rupees। देखिए अब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अगर 100 का चल रहा है तो 120 तक के सारे ऑर्डर बुक दे सकता है, लेकिन 4 to 5 rupees एक बहुत अच्छी रेंज होती है अगर आपका मीडियम लिक्विड स्टॉक है, हाईली लिक्विड है तो 2 rupees तक का भी अगर आप देख लीजिए तो भी बहुत अच्छा डेटा होता है, और ये डेटा इनके पास रहता है। हमें एक्सिस बैंक का चार्ट एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, भाई एक रेंज में अच्छा खासा एक्सिस बैंक चल रहा था, तो किसी यहाँ पे खरीदो यहाँ पे बेचो, यही रेंज इसको फॉलो कर रहा था। अब यहाँ पे जब वापस यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर गया, देखिए एक ब्रेकआउट देके यहाँ लेवल आया, इस जो 3 high था यहाँ पे जा नहीं पा रहा था, अब यहाँ पे मस्त यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अच्छा क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट डे भी ऊपर खुला, सबने कहा भाई खरीद लो, यहाँ खरीदे, उसके बाद क्या हुआ, खरीदे तुरंत नीचे गया। तो यहाँ पे क्यों यहाँ पे हुआ, क्यों अगर इसको मुड़ना ही तो यहाँ से मुड़ जाता, ये ऊपर फॉल्स ब्रेकआउट का प्रेजेंस देके यहाँ से स्टॉप लॉस हिट करके क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं एक बड़ी मूव, यहाँ पे स्मार्ट मनी ने अपना पैसा डाला, यहाँ स्मार्ट मनी ने पैसा डाला, तो अब इनको यहाँ खाली करना है। अब यहाँ पे खाली अगर वो करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे बेचेंगे स्मार्ट मनी, आप वॉल्यूम देखो काफ़ी वॉल्यूम हुआ है रेंज में, इतना पूरा बेचेंगे तो यहाँ तो पूरा उल्टा नीचे गिर जाएगा, तो भाई ये क्या करेंगे कि ये आपको प्रेस करके ऊपर थोड़ा और ऊपर लेके एक प्रिटेक्स दिखाएंगे कि भाई ये जो यहाँ पे शॉर्ट किए हैं रिटेल या जो भी लोग, उनको लगे कि उनका ब्रेकआउट हिट हो गया, उनको कवर करना पड़े, तो यहाँ पे शॉर्ट जो किए हैं वो कवर करेंगे, प्लस फॉल्स ब्रेकआउट वाले लोग आएंगे, अभी दोनों को मिला के अपना माल थमा के यहाँ से सरक लेंगे, और जैसे ही सरकेंगे तो यहाँ से गिरने लगेगा। तो ये देखें यहाँ पे आप इस चीज़ को, ये जो फॉल्स ब्रेकआउट का आया था, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ था, इसको अवॉइड करके इन सब सिनेरियो को कि भाई आपका लग रहा है कि सब सही जा रहा है लेकिन बस आपका हिट करके वापस अपने ट्रैक पे आ जाए, इसको अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करना है, आप देखिए इसमें भी सेम चीज़ है, एग्जांपल देखिए
यहाँ पे अच्छा खासा, मतलब कि आप ये मूवमेंट देख लीजिए, ऑलमोस्ट 5-6 रुपये की मूव थी, उसके बाद से वापस रिट्रेस करके नीचे सारे हाईस के ऊपर इतने दिनों के, 1 से 10 तारीख के, फिर भी वो फॉल्स ब्रेकआउट निकली, स्टॉप लॉस हिट करके हटा लिया गया, यहाँ भी शॉर्ट किया था और उसका नुकसान। सेम चीज़ बायोकॉन में भी ऐसी हुई, इसमें लॉन्ग्स का उल्टा साइड हुआ थोड़ा, कि भाई यहाँ पे कि भाई ब्रेकआउट पे जो उन्होंने लॉन्ग्स किया, देखिए आपने सारे लेवल्स के ऊपर इंट्राडे का चार्ट यहाँ पे लॉन्ग किया, उसके बाद से यहाँ तक प्राइस गया, फिर यहाँ से वापस ऊपर गया, लेकिन इस लेवल तक लाया गया इसको ताकि जितने लोग थे रिटेल स्टॉप आउट हो जाए। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड आपको कैसे करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम आने वाले कुछ वीडियोस में, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा स्टॉप लॉस के बारे में। याद रखिए स्टॉप लॉस जो है वो हर ट्रेड के लिए डिफरेंट होना चाहिए। ये स्टॉप लॉस में जो लोग कहते हैं कि यार मेरा 0.5% या 1% स्टॉप लॉस फिक्स है, भाई ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वॉलीटिलिटी पर डिपेंड करता है। एक ही स्टॉक में अलग अलग दिन में अलग अलग स्टॉप लॉस होगा डिपेंडिंग की वॉलीटिलिटी उसकी रिसेंट कितनी है, और ये वॉलीटिलिटी कैसे हम मेजर करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा। ATR करके इंडिकेटर है, उसकी एडिशनल हेल्प, देखिए हम ATR से एडिशनल वन ऑफ द हेल्प आपको मिलेगी कि एक अच्छा स्टॉप लॉस सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको भी हम जानेंगे कि कैसे कर सकते हैं। ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे आपको मतलब वो स्टॉप लॉस फाइंड करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा बेटर है, लेट से आपने पूरा सब रिसर्च किया, आपको लगा हुआ आप स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए आपको, और यार इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा के अगर हम ट्रेड करेंगे तो मिलेगा क्या, तो इस सिनेरियो में आप कैसे ट्रेड करेंगे जब आपका स्टॉप लॉस भी हो रहा है, इसको भी हम जानेंगे, और ये जो स्टॉप लॉस हंटिंग की जाती है इसको अवॉइड करेंगे, इन सब चीज़ों को हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। आई होप आज को आपको स्टॉप लॉस के बारे में पता चला होगा, जो सीक्रेट आपको बताया नहीं जाता है स्टॉप लॉस हंटिंग का, जैसे आपके स्टॉप लॉस हिट कराए जाते हैं और एक्चुअली में जो ऑर्डर बिड आस्क होता है जो सबको विजिबल रहता है, बाकी ब्रोकर्स को जो FIIs DIIs डेस्क होते हैं उनको विजिबल रहता है, और कैसे आपका ब्रोकर भी ये जानता है बात, तो इन सब चीज़ों के बारे में आई होप आपको जान के समझ मिला होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो ज़रूर नीचे आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपना जो भी क्वेश्चन है उसको लीजिए, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।